हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्मार्ट म्यूट सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्मार्ट म्यूट सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको जो है ना अगले पेज में ऑप्शन मिलेगा ये स्मार्ट मोशन का, स्मार्ट मोशन पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब आपको इसके अगले पेज में ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कॉल, स्मार्ट कॉल पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब आपको स्मार्ट कॉल के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट म्यूट का। स्मार्ट म्यूट के इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाता है, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाती है, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना स्मार्ट म्यूट सेटिंग इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके मोबाइल फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना, कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो करना क्या है, अगर आपको अपने मोबाइल फोन को ना म्यूट करना है यानी कि साइलेंट करना है ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी इनकमिंग कॉल आएगा ना आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ना इस तरीके से हाथ को रखना है, ठीक है, कवर करना है। ऐसा है कि टच नहीं करना है आपको, इस तरीके से थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है, इतना सा गैप रखना है आपके मोबाइल फोन और हाथ के बीच में, ठीक है। और इसे फोन को ना कवर करना है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, आपके मोबाइल फोन आपका जो इनकमिंग कॉल है ना वो म्यूट हो जाएगा, यानी कि साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है इनेबल होने के बाद आपके फोन में। अब मैं आपको ये स्मार्ट म्यूट सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फोन में ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार में टाइप करना है स्मार्ट म्यूट, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहाँ पर आपको पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से स्मार्ट म्यूट, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।